जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी तीन राशियां जिनको सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, अर्थात एक तरीके से हम कहें गंदी वाली गर्मी, जैसे चिटापटी वाली, खाज खुजली वाली, अलाइयाँ, घमोरियाँ, फोड़े फुंसियाँ वाली गर्मी जिनको सबसे ज़्यादा होती है। वैसे नॉर्मली गर्मी का मौसम है, सबको गर्मी लगती है, लेकिन ये तीन राशियां जो हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वो तीन राशियां हैं वृश्चिक, मेष, मकर। इनके वृश्चिक और मेष के स्वामी आप जानते हैं मंगल, मकर के शनि, और मंगल यहाँ उच्च के होते हैं। मंगल की जो क्या है, उत्तेजना वाला है, अग्नि तत्व का कारक है, सेनापति कहा जाता है, तो इसकी दुश्मनी राक्षसों से ज़्यादा है। जब भी यह राक्षसों की दृष्टियों में आता है, राक्षसों के घरों में जाता है या उनसे दृष्टि संबंध युति बनाता है, तो ज़्यादा खराब रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा दूध आप पी सकते हैं बचने के लिए, आम वगैरह ये चीज़ ना खाएं, और हनुमान जी की सेवा कीजिए, अद्भुत फ़ायदा आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने कुंडली विश्लेषण पर चार्ज रखा है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी आप यदि असमर्थ हैं देने में, जितना हो सके आप उतना दीजिए, क्योंकि दान पुण्य में, यज्ञवन में यह आपका अंश जो है वो काम आएगा, ताकि जो भी आपकी समस्या है उसका सुसफल अध्ययन हो सके, इलाज हो सके। ताकि मैं जो मेहनत करता हूँ और मेरे साथ में जो मेहनत करे उसको वो फल मिले, क्योंकि हमारे धर्म में यह सिद्धांत रहा है, कभी भी यदि आप ज्योतिष, अस्त्रेखा, कुछ भी ऐसा करते हैं धार्मिक प्रसंग, तो उसको प्रति कुछ दिया जाता है भेंट, ताकि वो उधार में ना रहे, तो उसका पूरा फल मिल सके, उसको दक्षिणा बोलते हैं। अगर वो नहीं देंगे तो दोनों के पाप चढ़ता है, इसलिए ये रखा गया है। यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 रुपये, और प्रश्न कुंडली के आधार पर, यदि नहीं है उपस्थित तो प्रश्न कुंडली के आधार पर 3100 रुपये मात्र आपको देने होंगे। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 9057-23-45-62, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, फिर एक और विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, कुंडली का भी, धार्मिक प्रसंग का भी। धार्मिक प्रसंग जो भी लाता हूँ, आप अपने माता पिता से, धार्मिक व्यक्तियों से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अब मैं धार्मिक प्रसंग में ऐसे ऐसे प्रसंग लाऊंगा जिनको सुनने मात्र से आपके पाप कटेंगे, लक्ष्मी वृद्धि होगी, निरोगी काया मिलेगी, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।